अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू वारिद मुंसा ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये देखें, हम अभी मैसूर के एग्ज़िबिशन को जा रहे हैं, तो रास्ते में ही हमें मैसूर का पैलेस दिखाई देगा। तो वो रहा मैसूर का पैलेस, और ये जो सामने दिख रहा है वो एग्ज़िबिशन है। ये मैसूर का एग्ज़िबिशन है और यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत लाइटिंग है। अच्छा, तो यहाँ पर एग्ज़िबिशन में बहुत ही क्राउड था, तो यहाँ पर हमें पार्किंग नहीं मिली फ्रंट गेट से, तो हम पार्किंग के लिए बैक गेट को जा रहे हैं। और आज तो वीकेंड भी है, तो बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। अगर आप वीकडेज में आते हो तो इतनी भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन वीकेंड में बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए कितना क्राउड है यहाँ पर। यहाँ वहाँ पर तो पार्किंग फुल थी फ्रंट गेट के पास, तो हम बैक गेट आ गए हैं। और ये देखिए, हम टिकट लेके एग्ज़िबिशन के एंटर हो गए हैं। और एग्ज़िबिशन साल के सिर्फ 3 ही महीने रहता है। जब भी मैसूर का दशहरा शुरू होता है तो उसके 10 to 15 days बाद ही एग्ज़िबिशन शुरू होता है। तो आपको ये एग्ज़िबिशन अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट हो के जनवरी तक रहता है। तो ये देखिए, मेरी कज़िन सिस्टर भी आके हैं, और यहाँ पर वारिद बहुत ही तंग कर रहे थे, बहुत ही रो रहे थे, क्योंकि मेरे जो कज़िन सिस्टर के हस्बैंड है वो वारिद को बहुत ही लाइक करते हैं, तो उन्होंने वारिद को उठा लिया था गोदी में, तो एकदम से वो रो पड़े। और जब तक हम घर नहीं चले गए तब तक भी वारिद रो ही रहे थे। यहाँ तक कि जब वो मेले में बैठे थे तब भी रो रहे थे। तो यहाँ ये देखिए, मेले में ग्रीन बॉक्स 5 नंबर में मेरे हस्बैंड, मेरी बड़ी भाभी और इखरा बैठी है। और यहाँ पर जो लाइट पर्पल बॉक्स है 11 नंबर, उसमें मोहसिन, सीमा और वारिद बैठे हैं, और वो अभी भी रो रहे हैं वारिद ऊपर। एंजॉय करने के लिए यहाँ पर तो लोग झूले में बैठ गए हैं, लेकिन बैठने के बाद उनको पता चला है कि डर क्या है करके। यहाँ पर तो इतने चीखे आ रही है सभी के, आपको आगे सुनाऊंगी यहाँ पर के चीखे। और मुझे मेले में बैठने से बहुत ही डर लगता है, तो इसीलिए मैं मेले में नहीं बैठी। हालांकि मुझे बहुत ही फोर्स किए थे मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों भाभियाँ, लेकिन डर के मारे मैं नहीं बैठी। और इखरा इतनी छोटी है, बिना डरे कोई भी झूला मिल जाए उसको वो बैठ जाएगी, ना रोती है ना डर लगता है उसको। और सना भी बहुत एंजॉय करती है बिना डरे बिना रोए। और वो रहा अम्ब्रेला का झूला, और ये है डक्की ट्रेन छोटे बच्चों के लिए। ये देखिए, अम्ब्रेला का झूला आ गया है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये है प्लेन विन की शॉप। यहाँ पर 3 बर्तन रखे हैं और 3 बॉल के चांसेस देते हैं। ये 3 चांसेस में ये तीनों बर्तन गिराना होगा, और वहाँ पर जो भी सॉफ्ट टॉयज हैं वो आपके हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। शायद उसमें इनकी कुछ ट्रिक्स हैं। आप जितना भी फोर्स से बॉल मार दो, 2 बर्तन गिर जाएंगे लेकिन 1 बर्तन नहीं गिरेगा। शायद उनकी कुछ ट्रिक्स है, तो पता नहीं ट्रिक है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन वो बॉल से मारने से नहीं गिरता। अच्छा, तो यहाँ पर एक स्केरी हाउस भी था। वहाँ पर सीमा जिद कर रहे थे कि वो स्केरी हाउस देखना चाहते हैं करके। मैंने और मिज़बा ने बहुत कहा कि
आप अंदर जाओगे तो डर जाओगे, मत जाओ घर के। लेकिन वो कभी पहले देख के नहीं थे, तो बोल रहे थे कि एक बार देखना चाहती हूँ अंदर कैसा है करके। तो सीमा और मोहसिन कैरी हाउस के अंदर गए और वहाँ से रोते हुए वापस सीमा वापस आ गए। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे कज़िन सिस्टर भी आए हुए थे उनके हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ। और ये जो जंपिंग जपोंग है बच्चों का, वो लोग उसमें बैठे थे। तो वहाँ पर वो दोनों बच्चे खेल रहे थे और हम इस जगह खेल रहे थे, हम इस जगह झूले में थे। और ये रहा फन वर्ल्ड। ये फन वर्ल्ड जो है, ये बहुत ही स्केरी है। इसमें बैठने के लिए आपको जिगर चाहिए। ये देखिए, ये एकदम से ऊपर जाके पूरा रोल। अच्छा, तो ये देखिए, यहाँ पर डैशिंग कप सॉसर में मैं, इखरा और वारिद गए थे बैठने के लिए। लेकिन ये बहुत ही तेज़ फिरता है कप सॉसर। तो वो अंकल बोल रहे थे कि बहुत छोटा है आपका बच्चा, शायद डर जाएगा। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि वो अलाउ नहीं करेंगे। आप चाहे तो 5 साल या अबाउ जो भी बच्चे रहते हैं उनको साथ ले जा सकते हैं। तो वारद अभी भी छोटे थे, तो इसीलिए अंकल ने अलाउ नहीं किया था। तो मैंने वारिद को उसके मामा के पास भेज दिया था। और यहाँ पर मैं और इखरा टिकट लेके लाइन पे खड़े थे। और अभी हम वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे। ये देखिए, मैं और इखरा जा रहे हैं बैठने के लिए। अच्छा, तो बैठने के बाद जब ये गोल गोल फिरता है ना, तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन भी होता है। बहुत ही तेज़ फिरता है ये। ये देखिए, अभी स्टार्ट हो गया है। आप आगे चीखें सुन। यहाँ पर तो बहुत सारे स्टॉल्स हैं। हमने बैक गेट से एंटर किया था, तो हमें पहले झूले मिल गए, तो हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अगर आप फ्रंट गेट से आते हो, तो आपको स्टार्टिंग में ही बहुत सारे कपड़ों के शॉप्स, ज्वेलरी के शॉप्स, स्लीपर्स, बेडशीट्स और फास्ट फूड, स्नैक्स, बहुत बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे आपको। आपको हर एक चीज़ एग्जीबिशन में मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी। अपने लिए क्लिप्स ली थी और मिंसा के लिए टूपेस, शूज़ और सैंडल्स ली थी। और मेरे लिए भी स्लीपर्स ली थी मैंने। आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी जो मैंने एग्जीबिशन में शॉपिंग की थी। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नहीं हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।